आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। खैर से खैर हो। उस दिन आप मुझे खुशखबरी दे रही थी ना, रेड कलर और ये बीच में जो डिजाइन हुए हैं ये नहीं मिलते ना। हाँ, मेरी अम्मी चीजें लेती होती थी। चूड़ियाँ अच्छी वाली कौन सी? आप ये अच्छी नहीं बिक रही है। मेहंदी क्यों लाई? मेहंदी इस वक्त भाई लाई, कुड़ियां है वेख का दिन ब्रांड है। मिलो जा। अस्सलाम वालेकुम। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा तो डोंट वरी, जेपी और कुकिंग विद मी आ चुके हैं एक नए व्लॉग के साथ और मज़ेदार व्लॉग के अंदर वेलकम किया जाता है। पर उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, या देखो मुझे YouTube की तरफ से एक ऑप्शन मिला है कि अगर आप लोग उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो आप लोगों को अब हमारी वीडियोज़ कोई नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है, तो सोच लो भाई, मतलब यूट्यूब से अपनी कोई पार्टनरशिप होगी। मैं बता रहा हूँ कि यूट्यूब ने बोला है कि जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरा बेटा छुट्टी करे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो वीडियोज़ फिर तुम्हें मिलेंगी नहीं देखने को, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। क्या कर रही है? किधर गई? मैं इधर ही थी। किधर गई? मैं भेजा था ये क्या? कौन है? रोटी वाले कपड़े हैं सितारा वालों के। भाई क्या हाल है, मतलब इधर आके भी आपने ये पौने ही लेने हैं? नहीं, वो मैंने उसे कहा है, मैंने कहा ये वाला डिजाइन अगर है तो वो ही ले आ, तो कहता है गया ये जो पहले मतलब चलता है डिजाइन किधर गया, ये वाला, ये अच्छे लगते हैं ये डिज़ाइन वाले ना, ये वाले। लेकिन वो ये ना, पहले मैं आती थी अम्मी ने और ये जो बाजी हैं सामने वो लेके रखी होते थे, कह रही नहीं मिलने, अच्छा हमारे ले जा। हम ये IKEA से मिलते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत लाइट कलर में, जो पर IKEA यूज में किचन में IKEA पे ये जो रेड कलर और ये बीच में जो डिजाइन हुए ये नहीं मिलते ना। असल बात ये है ना, तो पता है क्या, भाई डिपो लगा हुआ है ना, तो मैंने उसे भेजा, ये 150 का एक है, 300 के दो है, 250। हाँ, पहले 50-50 के, 20-20 के होते थे, 10-10 के। महंगाई महंगाई इतनी हो, नाम लिखा हुआ टेक्सटाइल हमजा फैसलाबाद। हमजा आपके? हमजा हमजा से? हाँ ये देखें, फोर सितारा हमजा R11। हमजा से याद आया, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। खैर से खैर हो। उस दिन आप मुझे खुशखबरी दे रही थी ना, उस दिन आप कह रही थी ना तो मेरे पास तेरे लिए खुशखबरी है, ये है वो है, आँखा नहीं खुल रही, मैं भी है ना किसके लगा के अंदर चाऊ में आ रही, धूप इतनी तेज, धूप इतनी तेज होती है आँखें नहीं खुलती। आंटी ये नहीं, फिर चार ये ले ली है, तो दो ये, तो दो ये, छः। मैंने कहा चलो ये किचन में रफ यूज़, मतलब जो रोटी शोटी आम लपेटनी होती है वो ठीक रहते हैं, ये किया कि बहुत लाइट कलर होते हैं, गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं। खुशखबरी के तो बता ना। खुशखबरी ये है कि मैं नहीं बताऊंगा। क्यों क्यों नहीं बताएगा? ये बाल रे हम्मा के सर के लगे हुए, साथ में लेटा हुआ था ना उस वक्त, मैं लेटी थी तो इधर ही लेटा हुआ था, गर्मी बहुत। तो और क्या, कौन से कोई लड़कियों के बाल लगने हैं? और कहाँ से लड़कियाँ? चल डिपो दिखा के आते हैं। चलो आप लोगों को डिपो वाले दिखा के आते हैं कि डिपो वाले यहाँ पे कैसे होते हैं। जो खुशखबरी है अम्मी को मैं बताता हूँ खुशखबरी, पहले हम जाके देख के आते हैं डिपो वाले, फिर अम्मी का रिएक्शन देखते हैं। तो चलते हैं पहले डिपो वाले देख के आते हैं। मतलब रिएक्शन क्या 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 ये क्या मतलब बात हुई, रिएक्शन देखते हैं तू ऐडा ना अंग्रेज बन, मुंह में पता है आई एम स्पैनिश, स्पैनिश नंबर पे ही ना, यू कांट टॉक टू मी लाइक दैट, लोहे कान फाड़ के ना स्पैनिश काट देनी तेरी। के पासा कंटिगो मामी, के पासा कंटिगो, सच्चा पासा ते खपा पासा, दोवे पासे अपने जेड़े पास मर्जी मारे। तो अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं गांव का शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल तो नहीं, खैर डिपो वाले, ये है गांव, ये है अम्मी। इधर मेरे चचा की बैठक होती थी। हाँ, इधर वो बैठक होती थी। इस वक्त छाऊ आ गई है ना, इतने चार पाइयां डल जाती थी यहाँ पे और सारे बाबे सारे बैठ जाते, ताश खेलते थे, लड़के भी आके बैठे ताश खेलते थे, हुक्का पीते थे अंदर, मुझे भी याद है ये बात, खेलते थे। फिर इधर छाऊ आ गई ना, तो उधर से निकलना ना हमने, देखना कितने एक लोग हैं ऐसे, एकदम नहीं हम बाहर आ जाते कि रात को ये सारी जगह पे चार पाइयां और इस तरह रौनक थी, गाँव बाद था उनसे। अगर किसी ने चदरा की है ना तो वो मेरे चचा जो गुलाम्स है ना उन्होंने ही की है, मतलब दूसरे तीनों भाइयों ने ना उन्हें बड़ा बनाए रखा है, इलेक्शन लड़े हैं हर चीज़ में, लेकिन वो बाहर के कामों में रहे हैं, मेरे अब्बू सारे दूसरे चचा वगैरह उनको ही बस जो उधर वो कहते थे वो ही ठीक है। मैं ये कह रही कि जगह कैसे हो जाती है। मेरे भी अभी जहन में यहाँ पर एक बैठक होती थी, ये तो हमें भी याद है,
चलो भाई गांव का शॉपिंग मॉल आपको दिखाते हैं। ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है ऐसे जहाँ तक मुझे लगता है, यही रह गया, बाकी तो सारा ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया क्यों? ख़त्म हो गया हूँ, ख़त्म हो गया क्यों? ख़त्म हो गया क्यों? सारे टोर गए हैं। कैसे वाले ख़त्म होंगे? पूरे एक बजे भाई ख़त्म कर देना। अच्छा सिताज नहीं बेच रहे को, कस्टमर आते रहे साथी तो बोलते हैं जी दाई मंगल दे मंगल मंगल दे मंगल हर मंगल हमने मंगल बकरी से बंगल चूड़ियां चूड़ियां रखी हैं। चलो इन दी चूड़ियां ही देखते हैं। चलो चूड़ियां दिखा देते हैं। मैंने सुबह देखा उधर तक गांव आ गए तो और तय बजे बैठे हो 20 साल से चल रहा। अच्छा हां मेरी अम्मी चीजें लेती होती थी। चूड़ियां अच्छी वाली कौन सी हैं? आपकी अच्छी नहीं बिकती हैं इतने माड़ा माल चीज भी जावे खैर है, चंगी चीज पता नींद भी नहीं आती नुकसान। उठा क्यों लेते हैं, चुक क्यों लेने? छेड़ जैसे एक बार सारिया बहन आ भी नहीं सनखड़ो देने भाई जब ध्यान नहीं दे रहा दो चाह 10-15 रुपए के लिए ईमानदार है कर दर्जन मिलता है। दूसरा ये कि शहर नहीं जाना पड़ता, मतलब शहर हमें तकरीबन माशाल्लाह 7 गुच्छे चल गए लाई खोलेंगे माशाल्लाह। ये कौन सी मोटर वे है? मोटर वे दुनिया का ब्रांड है, उन चले मोटर वे दिखाएं। ये बड़ी चलती थी, ये अच्छा है, कांच की देखने में लगती है वो देसी। पूरा इधर मॉल लगा हुआ है, किस्म का छोटा सा। कह रहा था भाजी बहुत ज्यादा है, लेकिन सही अच्छी चीजें हैं। एतवार की लाभ जांदी है भाई, बहुत सारा माल जो था ना सेल हो, बड़े-बड़े मग्गे भी लाभ जो है काला, बड़े मग्गे भी लाभ जाते हैं। है जने दबे मोरबिया बना छे है सऊदीया की जो बन गई है। ये बच्चियों वाली अंगूठियाँ और ये बड़ी वाली हैं, ये भी कलर फेयर करने के भी लेके आते हैं, मतलब हर सहूलत देते हैं लोगों को कि इन्हें कहीं जाना ना पड़े। मैं तो शॉपिंग करने लग गई हूँ, अम्मी चले अम्मी नहीं उनकी बातें भी सुन के अच्छा लग रहा है, उनकी बातें भी सुन के अच्छा लग रहा था। तो भाई डिपो वाले तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, बट कोई नहीं, हमने आपके अम्मी के पौने आ गए, अम्मी का और काम हो गया है। इतना गर्म तो सुबह सोया हुआ था जब मैंने उसको भेजा, उस वक्त मैंने इधर देखा सारा बाजार पूरा। हाँ हाँ मैंने पिछले ब्लॉग में पिछली बार पिछले ट्यूसडे को आप लोगों को दिखाया था। हाँ तो बहुत ज़्यादा, हाँ तो कोई पेंट का कलर चेंज नहीं हो गया कुछ? क्या क्या जो बदल गए पहन लेते हैं। अच्छा अभी मुझे याद आया है, मैं अंदर बैठी हुई थी, मुझे याद आया है कि भाई तुम तो कह रहे थे कोई खुशखबरी है, वो नहीं बताई तुमने? खुशखबरी जाननी है आपको? हाँ बताता हूँ। नहीं अभी बता ना, अभी बता, बताता हूँ कि आप किधर जा रहे हैं। आपको वो हो रहा है कि क्या खुशखबरी है? हाँ अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ जरा खाला के घर, ठीक है? नहीं तो खाला के घर जाने से पहले बता देना, मैंने भी तेरे साथ जाना है। तो फिर वापस आके? नहीं तो अभी बता के जाना, अभी किधर जा रहा है? बात तो सुन जे भी, बात सुन जे भी, बदतमीजी नहीं है वैसे ये भाई। हम तो यहाँ पे हैं, फातिमा तो सो रही है, सो जाती है, हम इसे स्पेशल मिलने आते हैं ना तो ये सो जाती है। ओ ओ सो जो सो जो सो जो सो जो, ये मेरी अम्मा इसलिए इधर आती है, इसलिए इधर आती है जो शाहरुख को बताया इधर क्यों जा रही हूँ, इधर क्यों जा रही हूँ, मैं फातिमा के लिए आती हूँ, मोहम्मद के लिए आती हूँ। मामू का कर ले, अच्छा मामू का कर ले, फातिमा मामू क्या कर रहे? चलो इधर बैठ के बनाते हैं, फातिमा अब खेलेगी, फातिमा मामू के साथ, फातिमा मेरे साथ, मेरे देखो मामू के मेरे पास आओगी, फातिमा गाड़ी मेरे पास आओगी बिल्कुल, वो तुम फातिमा किधर चली गई, किधर चली गई है फातिमा, इतनी बड़ी हो गई है, वो हगी हगी करेगी, मिलो जा कैसे मिल रही है,
जे भी मामू को मिल रही है फातिमा, दाश हो गई थी एक साथ लगी। मेरे ख्याल से वैसे तो कोई पता नहीं है, देख के बंदे का दिल करता है शादी कर लो। इतने प्यारे प्यारे बच्चे होंगे की वजह से। देखना कैसे हगी करती है। है फातिमा हगी। अच्छा समझती सारी है। अच्छा आ जाओ मेरे पास आ जाओ। ओ मामू की तरह मिलो जरा, फातिमा मिले मुझे, फातिमा मिलो जरा। फातिमा मिल रही है इधर, हम इसलिए आते हैं फातिमा से, हैदर से, मोहम्मद से, मोहम्मद मीर से, सबसे मिलने हैं। फातिमा से मिलने आते हैं ना, कल वो शहर गई हुई थी ना, तो मैं दाश हो गई थी फातिमा से, है ना फातिमा। बाय बाय कर दो मामू को, बाय बाय कर दो। देख आज कर बाय 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 कर जा रहा हूं फातिमा मैं, अल्लाह हाफिज़। नहीं इधर आ जाओ आज मामू, आज बाय बाय फातिमा, बाय बाय मामू। वापस चलते हैं उस घर, जाके इफ्तारी करते हैं फिर। सारे पाकिस्तान आने के पैसे पूरे हो गए, जिस तरह फातिमा मिलती है, हैदर मिलता है, इतने प्यार से मिलते हैं। हो भाई इफ्तारी भी कर ली, थक गए, फुल हो गए इफ्तारी करके। आपकी इफ्तारी कैसी थी? तू तो इफ्तारी में ऐसे था जैसे नींद की गोलियां खा ली। इफ्तारी करके सोया मैं, उधर ही सोया सोया सोया, अभी उठा है 8:30। भाई बड़े मजे की नींद आती है। आखिरी रोजा सुबह, ईद भी हो गई है, सबको ईद मुबारक भी, सबको चांद रात आज है, कल ईद है, जब तक आप कहेगा तब मेरे ख्याल से ईद होगी, क्योंकि आपको पता है एक दिन व्लॉग पीछे चलते हैं। खैर एनीवे अब हम करते हैं इस व्लॉग को। नहीं एंड शेंड कोई नहीं, वो खुशखबरी तो बताओ जो कह रहे थे, खुशखबरी है अभी तक अम्मी को भी पड़ी हुई, छोड़े हैं क्या बता ना, फिर मैं भी नहीं बताया करूंगी। सुबह से लारा लगाया हुआ है, बताऊंगा वो किधर गया, बताऊं पकाने वाला। आपको पता है हमजा का गाड़ी का इशू चल रहा था थोड़ा सा पहले, वो गाड़ी का पता है, वो मसला हाँ, भी वो हुआ था ये वो, तो हमारे घर में एक नई गाड़ी आ गई। अच्छा आ गई है। हाँ ना जी, मैं मम्मी को क्लिप दिखाता हूँ, आप लोग भी देख के आए, फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आप भी सलाम कर लो जी। अस्सलाम वालेकुम। ये ले जी, मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े हैं आपके पुरजोर इसरार पे, जो है ना जी हम वीडियो बनाने पे मजबूर हो ही गए। आखिर आज हम जा रहे हैं हमजा साहब की गाड़ी देखने, ये हम शोरूम पे आ गए हैं, ज़ेड का शोरूम है, और इधर अब देखते हैं। ये बताए ना आपके आवाज़ को क्या हुआ? आवाज हमारी जो सुरों में आई हुई है, सुर खराब हुए हैं जरा। गला खराब है बड़ा सख्त किस्म का, तो फिर आपको दिखाते हैं मजीद अंदर जाके। ये ले जी हम शोरूम में आ गए हमजा साहब को, इस शोरूम से गाड़ी पसंद आई है, आप क्या बताएंगे गाड़ी के बारे में? अभी तो देखने आए, फिर पता लगेगा, देखते हैं। ये जी गाड़ियाँ सारी देखें खड़ी हुई, अब फिर लेंगे जो, फिर आपको दिखाएंगे साथ साथ, आप गैस करें कौन सी होगी इनमें से। ये जी गाड़ी है, देख लो हमजा साहब की, सारी तरफ से आपको दिखाते हैं। ये हमजा साहब भी खड़े हैं साथ, ये गाड़ी है, जैकेट की मैचिंग कर ली है इन्होंने। हम आपको अपना शहर दिखाते हैं, हमजा साहब की ड्राइविंग चेक, और ये हम बैठे हुए हैं, आप हमें मिस कर रहे थे, आपके प्यार का, आपकी दुआओं का, जो आपने अपने कमेंट्स में लिखी और जो मैं पढ़ता रहता हूँ, तो दिल खुश होता है। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आबाद रहें आप, और इसी तरह हमारे जेबी के चैनल को सपोर्ट करते रहें, हमारे चैनल को बल्कि ना, हाँ बस हम सबका हुआ ना जी। तो ये माशाल्लाह से हमारे हमजा साहब, ये भी आपको हम वीडियो में दिखा देंगे, आज इनकी गाड़ी देखने गए थे, अल्लाह खैर करे तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में इनके पास होगी। ये देखिए जी हम सैर कराते हैं आपको अपने शहर की। ये बात भी है भाई, अपने पैसों से, मेहनत के पैसों से ले रहे हैं, आपकी कमाई हमारी कमाई, वो भी हमारी, आप मेरी भी मेरी, तुम्हारी भी मेरी। किधर जा रहे हैं आप? जी
अभी हम कोको के दाने लेने जा रहे हैं, कोको का खाना। उसको रोजा नहीं रखा है? कोको ने रोजा नहीं रखा हुआ, कोको बड़ा शैतान है। वो जो कबूतर है आपकी अम्मी ने जिनको रखा हुआ घर में, वो रोज आते हैं, उनके दाने खत्म हुए हुए हैं, वो लेने हैं। मैं कहा भाई ये ना हो के मेरी बेगम कहे आपने पीछे से मेरे कबूतरों का, मेरे परिंदों का ध्यान नहीं रखा, कोको को भूख लगी हुई है। जिनको इतनी फिक्र होती है जाते ही नहीं है भाई। पता सुना है? सुना है, पर उनको भी एक रेस्ट आना चाहिए, उनको पूरे साल में इतना होना चाहिए काम, बेचारी रेस्ट होना चाहिए उन्हें भी। हाँ जी भाई, कैसी लगी गाड़ी? अच्छी, अल्लाह पाक नसीब करे और अंडानी दे और सेहत दे और नजर बाद से बचाए अल्लाह। तो ये खुशखबरी थी सुबह से जो सुनानी थी आपको। सुबह से मुझे क्या क्या खुशखबरी खुशखबरी, मुझे ये क्या पता था कि ये वाली खुशखबरी छुपाई हुई है इसने। तो और आपको क्या मैंने कहना था? कोई और खुशखबरी है जो कह रहा शादी कर? आपका तो बड़ा दिल है आपके रिश्ते पे, हाँ कर दूं। कर दे, मैं तो नहीं करने वाला। खैर चलो भाई, ईद मुबारक सबको, चांद रात मुबारक, ईद मुबारक, सब मुबारक। तब हम करते हैं इस ब्लॉग को एंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बताएं कैसी लगी नई गाड़ी। इंशाल्लाह स्पेन जाएंगे तो फिर चलाएंगे उसको, फिर बताएंगे आपको कैसी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमको मिलेंगे हम कल एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।